हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में जो डिस्कस करेंगे साइंस सब्जेक्ट और ये नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर होगा वर्क एंड एनर्जी से का डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आधारित होगा इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ पर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ पॉइंट है हमको रिमेम्बर करना पड़ेगा इस चैप्टर को, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। तो है एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जो वर्क इज डन ओनली व्हेन ऑन अप्लाइंग फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस। वर्क तभी हम कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम बल लगाते, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या चेयर हो सकता है, या कुर्सी हो सकता है, या आपकी खिलौना हो सकता है, उस पर बल लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब मूव किया एक स्थान से दूसरे स्थान को, तब हम उसको वर्क कहेंगे। तो वर्क के इक्वल टू होता है फोर्स अप्लाई किए और डिस्टेंस मूव इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं, मान के चलिए चेयर में, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में चेयर का जो प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होगा एक स्थान से दूसरे स्थान को, तो उसी को वर्क कहते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F यानी फोर्स इनटू S यानी जो डिस्टेंस मूव हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। उसके बाद वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर इन इट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट मैंने वर्क डन हम तब कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में जो स्टोर होता है एनर्जी, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट पजेसिंग एनर्जी इज ए कैपेबल टू डू वर्क, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने में स्टोर कर लेता है एनर्जी, वो कैपेबल होता है किसी भी वर्क करने के लिए। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पनबिजली होता है, जो उसमें धारा को डैम बनाते हैं, तो जो धारा का जो मैंने पानी को हम रोक के रखते हैं, जब पानी को छोड़ते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है जिससे हम लोग बिजली बना लेते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी एग्जिस्ट है डिफरेंट फॉर्म में। जो मेन फॉर्म एनर्जी का होता है वो मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी का ही पार्ट से पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होगा, तो लेटर ऑन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला मैकेनिकल एनर्जी, जो एबिलिटी टू डू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जो कोई भी मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये दो तरह का होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये पजेस किया जाता है कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसकी पोजीशन, कंडीशन या चेंज ऑफ शेप, इसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और इसका PI स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी बराबर MgH, जहाँ M हो गया मास ऑफ बॉडी, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और H हो गया हाइट ऑफ बॉडी। और काइनेटिक जो एनर्जी होता है ये किस गुण के कारण होता है, ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होता है, उसकी गतिशीलता के कारण होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², जहाँ M मतलब मास ऑफ बॉडी, जितना उसका द्रव्यमान है, भार है, और भी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फिर केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी कुछ पार्ट्स है मैंने फॉर्म है रूप है एनर्जी का। ऑफन बॉडी पजेस मोर देन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, लगभग सभी बॉडी एक से ज़्यादा एनर्जी को मैंने रखता है, स्टोर करता है। सनलाइट
कोल, पेट्रोलियम, रनिंग वाटर, विंड, बायोमास और सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये सब जितना सनलाइट है यानी सूर्य का रोशनी, कोल मतलब हो गया कोयला, पेट्रोलियम, रनिंग वाटर जो जिसको डैम वगैरह में छोड़ा जाता है क्रूज के माध्यम से, विंड हवा जिससे पवन चक्की वगैरह बनता है, बायोमास जो एनिमल के जो फैसिस से तैयार किया गया, गोबर वगैरह से तैयार किया जाता है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सनलाइट, रनिंग वाटर, विंड, बायोमास, रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको हम रीन्यूएबल कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, इसकी ख़त्म हो जाएगी मात्रा तो हम तुरंत बना सकते हैं। लेकिन कोल और पेट्रोलियम आर नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो ये प्राकृतिक माध्यम से ही बन सकता है, हमारे द्वारा नहीं बन सकता है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर और दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कर सकते हैं और इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी पजेस किया जाता है बॉडी बिकॉज ऑफ पोजिशन कंडीशन के कारण होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो कोई भी बॉडी में होता है वो उसका कारण होता है उस बॉडी का मोशन। और एनर्जी का वाइज एंड इकोनॉमिकल जुडिशियली यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी जो बिजली है तो ये सबको हमको कंजर्व करने की ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही स्केयर यानी बहुत ही दुर्लभ मात्रा में उपलब्ध है। जैसे हम घर में जब बिजली का काम दिन है तो हम लाइट को ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, एनर्जी को ज़रूरत से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। तो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत जल्द हमारे वीडियो के माध्यम से आएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टैलेंट, जय हिंद।